सो हेलो वन, तो कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं कैंपिंग करने के लिए आया था पहाड़ों पर, और यहाँ देख सकते हैं पूरा कैंपिंग का ये नज़ारा है, और ये नज़ारा मैं आपको पूरा दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ऑफरोडिंग करने के लिए जाऊँगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे परिंदे उड़ रहे हैं इस तरह, पहाड़ वगैरह हैं, और ये एरोप्लेन उड़ रही है, और ये हमारी कार है, ये कैंपिंग का ये स्टेट है। और यहाँ पर हमारे बगल में ये नदी भी है, और बहुत अच्छी नज़ारे यहाँ पर हैं, तो आगे मैं आपको दिखाऊँगा। और इस अब आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज मैं ऑफरोडिंग के लिए मडिंग ऑफरोडिंग के लिए मैं जाने जा रहा हूं। तो ये हमारी कुछ गाड़ी है, ये मैं अपनी गाड़ी पर बैठ जाता हूं, तो उसके बाद मैं चलता हूं ऑफरोडिंग के लिए। तो यहां से हमारे 1 किलोमीटर दूर हैं, तो मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ले रहा हूं और चलते हैं। अरे यार, और ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और धीरे धीरे अपना मैं निकलता हूं अपने मिशन पे। तो यहां से मैं चलता हूं और मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूं, आराम से मैं चलाऊंगा। तो हमें देखना पड़ेगा यहां से कितनी किलोमीटर दूर हैं, 600-700 मीटर बचे हैं यहां से अब। तो यहां से देखते हैं, रेलवे ट्रैक है, यहां से ट्रेन आती जाती है, तो मैं देखना पड़ेगा कहां पे है, और मैं अपना वो जगह खोजने वाला हूं, कौन सी जगह है वहां से मैं जा सकूं अंदर। और ये मज़ेदार, बहुत मज़ेदार गेम है, आप भी ट्राई कर सकते हैं इसे, तो आपको इस पर प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये गेम का नाम है रशियन यू एज़ेड। तो हमें आ गया ऑफ रोडिंग जगह पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह नज़ारे हैं, और यहाँ पे ये बनी पुल बनी है, मगर टूटी हुई, इस पर गाड़ी लेके जा नहीं सकते हैं। तो हमें अपना मडिंग एरिया खोजना पड़ेगा, मडिंग एरिया तो मैं देख लिया था लोकेशन पे, तो यहाँ से मैं देखूँगा कितना दूर है। मैं नहीं लगता ज़्यादा दूर होगा, कुछ ही दूरी पर तो है, शायद आ ही गया, हाँ लग तो रहा है। अरे यार आ गया, ये हमारा कुछ मडिंग एरिया है, तो मैं आज इस पर ऑफ रोडिंग करूँगा। मैं मार्क हटा दिया हूँ, और मैं ब्रेक मार लेता हूँ गाड़ी का, नहीं तो वरना गाड़ी देख देख नीचे चल जाऊँगा सीधा। तो मैं देखता हूँ कितना डीप है, क्या है, जिस तरह देख सकती हूँ ऊपर गाड़ी जा रही है। यहाँ पर रेलवे ट्रैक है, अच्छा सीन है यहाँ पर, अभी तक ट्रेन नहीं आ रही है, रेड लाइट है, तो देख सकते हैं मडिंग एरिया है, और देखूंगा इस मडिंग एरिया पे ये गाड़ी क्रॉस कर पाती है कि मडिंग क्यों नहीं। ऐसे मेरी गाड़ी 4x4 है, तो ये गुफे हैं, गुफे क्या है वो, इसको टनल बोलूँगा, इस टनल पे गाड़ी तक पैसे जाती है ट्रेन। तो यहाँ से अच्छा लेंथ है, हमको लग रहा है ये अच्छा डेप ही होगा, तो ट्राई करते हैं यहाँ से, हम अपनी गाड़ी निकाल के देखता हूँ कि हमारी गाड़ी निकल सकती है कि नहीं, ट्रेन वगैरह आ रही कि नहीं, पता नहीं लग रहा यहाँ ट्रेन आ रहा है, थोड़ा ट्रैक पर चढ़ लेते हैं, बचपन की यादें पूरी कर ले रहे हैं, ट्रेन तो भी नहीं आ रही। चलते हैं, मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, उसके बाद ऑफरोडिंग के लिए निकलता हूँ। तो मैं अपना गाड़ी को ऑफरोडिंग के लिए, यहाँ से हमारे देख सकते हैं 4WD का है, और यहाँ पर ऑफरोडिंग के लिए सीजी दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ पे वेपर वेपर सब है, तो मैं आराम से गाड़ी को अपना चलाने वाला हूँ, ऑल व्हील ड्राइव पहले कर लेता हूँ, जहाँ मेरी गाड़ी अटकेगी तो मैं अपनी गाड़ी को 4x4 कर दूँगा। देख सकते हैं ट्रेन नाम भी है, ये ट्रेन आ ही गई, मस्त लग रही है वो, देखो गुफे के अंदर जाएगी ये, गुफे यानी टनल के अंदर जाएगी। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट है, तो अपनी गाड़ी को मैं अपने मडिंग एरिया में डालने के लिए तैयार हूँ, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कुछ यहाँ अटकेगा, कोशिश तो कर रही है गाड़ी अटके नहीं। हाँ ये तो मानना पड़ेगा, हमारी गाड़ी गाड़ी को एस्केलेटर देते रहना है, नहीं तो हमारी गाड़ी यहाँ अटक गई तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा हमें। तो अपनी गाड़ी को मैं अच्छी तरीके से लेके जाना चाह रहा हूँ, यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा इसको वाइपर पानी डाल के साफ़ कर ले रहा हूँ, हमारी गाड़ी सीसी साफ़ हो जाए, हमें आराम से दिख सके, बट हमें ऐसे तो दिख नहीं रहा, तो हम ऐसे ही लेके जाएंगे। क्या भाई क्या, गाड़ी तो आराम से निकल गया, तो हमारी गाड़ी यहाँ से आराम से निकल गई है, और भी 4WD पे, और 4x4 हमने लगाया भी नहीं है, बस यहाँ से आराम से निकल जाए गाड़ी। अब देख सकते हैं हमारी गाड़ी यहाँ से रोडिंग करके और मडिंग रनिंग करके आ गया है, तो भाई हमारी तो गाड़ी गंदी हो गई यार, अब गाड़ी को धोने के लिए और साफ़ करने के लिए जाऊँ कहाँ मैं इसे लेके, हाँ तो ऐसे कुछ नहीं लग रहा इसके अंदर होगा, यहाँ तो हमें नहीं लग रहा, यहाँ नदी है, या नदी में गाड़ी डाल दिया तो गाड़ी चल जाएगी अंदर,
तो मैं यहाँ से ऑफरोडिंग करके मैं निकालता हूँ, देखता हूँ यहाँ से हमारी गाड़ी निकलती है कि नहीं। अच्छी थोड़ी ऊँची है, निकल तो जानी चाहिए, ये गाड़ी अच्छी कैपेबिलिटी है, अब 4x4 गाड़ी है। हमारी गाड़ी तो गंदी हो गई है भाई, अब यहाँ से मैं पानी के लिए कहाँ जाऊँ? आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, फिर मैं पुलिस से मस्ती करूँगा, उसके बाद मैं दिखाऊँगा कैसी मस्ती होती है पुलिस के साथ। यहाँ तो है सुंदर वगैरह है, मगर दिक्कत है, गाड़ी लेके चला गया ना डूब जाएगी इसके अंदर। ओए कि हमें बोल रहा पिकअप पर हमको आगे छोड़ दो भाई, मैं यहाँ गाड़ी धोने के लिए फिर फ्राक पे लगाऊँ, फिर पिकअप की चक्कर पड़ी। देखता हूँ मिल जाए भाई पानी कहीं पे तो मिल जाए, मुझे नहीं लग रहा है यार पानी मिलेगी कहीं पे, तो इस एरिया का जाते लगे